गुड इवनिंग। चलो एक बार साउंड स्क्रीन देखिए। तो थोड़ा सा आज का लाइव का अपना फर्स्ट सेशन था, तो थोड़ा सा वो स्टार्ट करने में लेट हुआ सेटिंग करते समय। आ रहा है, दिख रहा है सबको? चलो एक बार जो लोग ज्वाइन होगा आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए, साउंड स्क्रीन आपको आ रहा है नहीं आ रहा बराबर। फर्स्ट सेशन है तो थोड़ा सा इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज अपने को आ सकते हैं। करूँगा स्टार्ट। सबको चल रहा है? ओके, प्रॉपर चल रहा है, क्लियर, ऑल परफेक्ट, यस। चलिए देखो, आ रहा है, चलिए ठीक है। देखिए ऑलमोस्ट आप में से जिन लोगों का आरआरबी का एग्जाम है, असिस्टेंट का मीन्स ऑफिसर स्केल वन का एग्जाम ऑलरेडी पिछले संडे हो चुका है। जो आपका अपकमिंग एग्जाम रहेगा वो संडे को असिस्टेंट का एग्जाम है, ठीक है ना? मीन्स जिन लोगों ने असिस्टेंट के फॉर्म फिलअप किया हुआ है उनका एग्जाम रहेगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला काम देखो, अपने को कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। अपन एक बार सिर्फ उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग थोड़े से क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो क्या रहेगी, मीन्स नॉर्मली हम लोग जब एग्ज़ाम में जाते हैं उसमें और इस बार की एग्ज़ाम में थोड़ा सा वेरिएशन है। मीन्स एग्ज़ाम में कोई वेरिएशन, एग्ज़ाम वैसे की वैसे रहेगा, बट साथ में कुछ चीज़ें जो अपने को कैरी करना है विदाउट फेल बाकायदा। जनरली क्या होता है, जब भी अपने पास में कॉल लेटर आता है तो हम लोग बाकी सारी की सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग सिर्फ भाई वेन्यू कब है, टाइम कब है, एग्ज़ाम की डेट देखते हैं, अपन निकल जाते हैं। बट नॉर्मली जो आप में से जो लोग इसके पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको कुछ चीज़ों का नॉलेज है इसमें से। जो लोग फर्स्ट टाइम जाने वाले हैं आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हॉल टिकट पूरा डिटेल में पढ़ लो, उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है। सेकेंड थिंग, साथ साथ में बिकॉज ऑफ कोविड कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपको यहाँ पर साथ में कैरी करने के लिए बोला गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो आपके साथ में देखो आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहला काम, सबसे इम्पॉर्टेंट, मास्क ये इस बार आपके पास में कंपलसरीली होना चाहिए। विदाउट मास्क आपको वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो मास्क आपको एक कंपलसरी है, पहला पॉइंट। मास्क के साथ साथ में हैंड ग्लोव्स भी इस बार हॉल टिकट में कंपलसरी दिया हुआ है, ठीक है ना? ऑफिसर के एग्जाम्स में कुछ लोग गए थे तो वहाँ पर इतना स्ट्रिक्टली सारी चीज़ों को चेक नहीं किया था, कुछ सेंटर्स पर ऐसा हुआ था। तो होता है कुछ लोगों का एक्सपीरियंस कि भाई सर इस बार तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो फिर अपने जबरदस्ती खर्चा क्यों करना है, ये क्यों करना है? तो ऐसा नहीं, जितनी हॉल टिकट में कॉल लेटर में इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो सारी की सारी चीज़ आपने विदाउट फेल कैरी करना। पॉइंट नंबर वन, एक अच्छा मास्क। सेकेंड थिंग, हैंड ग्लोव्स। तीसरा, ट्रांसपेरेंट पानी की बॉटल, मीन्स वो जो भी डिजाइन विजाइन वाली कोई बॉटल नहीं चलने वाली, उन्होंने क्लियर लिखा पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, मीन्स अपने खुद के पानी की बॉटल आपके साथ में होना चाहिए। वहाँ पर कहीं पर भी अरेंजमेंट रहने वाली नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? और ऑलमोस्ट आपका पेपर भले ही 45 मिनट्स का है, बट प्रोसेस में ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे का टाइम निकल जाता है। रिपोर्टिंग से लेकर, रिपोर्टिंग के 10 से 15 मिनट पहले अपन वहाँ पहुँच जाते हैं। रिपोर्टिंग के बाद वो चेकिंग विकिंग होता है, बाकायदा स्कैनिंग विनिंग होगी आपकी, आपका फोटो वीटो लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी देखना वो देख लेंगे। उसके बाद आप अंदर जाओगे, बैठोगे, एग्जाम लिखोगे, उसके बाद बाहर आओगे, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे का टाइम निकल जाता है। इन बिटवीन अगर कहीं पर पानी पीने की रिक्वायरमेंट आई तो वहाँ पर कहीं पर भी कुछ अवेलेबल रहने वाला नहीं है, आपको इसको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर भी उन्होंने कंपलसरी बोला हुआ है, एक 50 ml की छोटी सी बॉटल आपके साथ में कैरी करना। ये भी आपको वहाँ पर कोई देने वाला नहीं है विदाउट फिल, इसको भी आप कैरी करोगे, इसको ध्यान रखिएगा। और एक पेन अपना सिंपल सा, वो बटन विटन वाले जो पेन विन आते हैं इस टाइप का, जैसा मान लो मेरे पास में पेन है सा, तो जो बटन विटन वाले अपने पेन होते हैं इस टाइप के पेन अलाउड नहीं है। एक सिंपल सा पेन आपको वहाँ पर बॉल पेन कैरी करना है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ में हॉल टिकट अगर आप डिटेल पढ़ते हो तो उसके ऊपर एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, और बाकायदा ब्रैकेट में दिया हुआ है कॉल लेटर, कॉल लेटर एंड फोटो कॉपी ऑफ फोटो आई डी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना। मैं बहुत सी बार, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है,
लास्ट ईयर हम लोग एक आध दो सेंटर्स के ऊपर ऐसे जनरल गए थे, तो वहाँ पर कुछ ऐसे ध्यान में आती है, स्टूडेंट एग्जाम देने आ जाते हैं और वहाँ आने के बाद पता चलता है कि अपने पास में फोटो आईडी नहीं है, या फोटो आईडी है तो उसका जेरोक्स नहीं है, जो फोटो आईडी का जेरोक्स लाया वो और जो ओरिजिनल ये अलग अलग है, तो ये अलाउड नहीं होता है। फोटो आईडी बोलकर जो भी फोटो आईडी आप ले जा रहे हो उसी की फोटो कापी आपको वहाँ पर लगने वाली। एक सेकेंड थिंग, आपकी जो फोटो आईडी है उसके ऊपर लिखा हुआ नाम और आपके हॉल टिकट पर लिखा हुआ नाम, ये दोनों भी चीज़ें सेम होना चाहिए वहाँ पर। ऐसा क्लियर आपके हॉल टिकट पर ही सब कुछ लिखा हुआ है, बट बहुत बारीक फॉन्ट में होता है, इतना डिटेल हम लोग पढ़ते नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ आपको साथ में कैरी करना ध्यान रखिएगा। इसके बाद में द नेम ऑन आईडी एंड ऑन कॉल लेटर शुड बी एग्जैक्टली सेम। ये देखना, ये भी बहुत सी बार मिसमैच होता है। जैसा एग्जाम्पल, मान लो एग्जाम्पल किसी का नाम होगा, एक एग्जाम्पल रवि, ठीक है, तो कभी कभी कुछ कहीं पर रवि कुमार ऐसा लिख कर आ जाता है। अब ये रवि और रवि कुमार, मान लो डॉक्यूमेंट्स पे कभी कभी ऐसा मिसमैच होता है, ये अलाउड नहीं है। आपका जो नाम रहेगा वही नाम वो डॉक्यूमेंट पर होना चाहिए जो आपके कॉल लेटर पर है, वो एक चीज़ आप याद से ध्यान से रखिएगा। एंड लास्ट में, अगर मान लो इन केस ऑफ स्क्राइब किसी का हैंडीकैप का वगैरह होगा, तो जो भी आप स्क्राइब साथ में लेकर जा रहे हो, स्क्राइब फॉर्म ड्यूली फिल्ड एंड साइन विथ फोटोग्राफ, जो स्क्राइब का जो फॉर्म आता है वो भी साथ में फिलअप कर कर आपको लेकर जाना है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको याद से कैरी करना है, पहला पॉइंट है। नाउ पॉइंट नंबर टू, अब अगर अपन लोग थोड़ा सा एग्जाम की बात करते हैं, तो आपको वहां पर मैथ्स के 40 क्वेश्चन एंड साथ में रीजनिंग के 40, ऐसे टोटल एग्जाम में 80 क्वेश्चन का अपना एग्जाम, टोटल 80 क्वेश्चन आपके पास में दिए हुए, ठीक है ना। और ये जो 80 क्वेश्चन वहां पर आप लोगों को दिए हुए हैं, 80 questions, ये 80 question attempt करने के लिए only 45 minutes का time मिलता है, ध्यान रखिएगा। अपने को घर पर practice करते समय 10-15 question भी solve करना है, 10 to 15 question, तो आराम से 10 to 15 question में अपन आधा घंटा कम से कम लगा देते हैं। But अगर मैं exam की बात करता हूँ, तो वहाँ पर जाने के बाद जो time आपको मिलने वाला है, वो time बहुत कम है। अच्छा, और एक चीज़ आपने अगर इसमें एक point और ध्यान से देखा, तो लास्ट ईयर के कुछ कट ऑफ्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो 2018 में, 2018 और 19 दो एग्जाम्स इसके पहले हुई भी जो अपन लेते हैं, हुई उसके पहले बहुत सारी, बट लास्ट टू एग्जाम्स को भी अगर ध्यान में रखते हो, तो 2018 का जनरल कैटेगरी ओपन कैटेगरी का कट ऑफ था 69.75, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली अपन इसको 70 बोल सकते हैं। सोचिए आउट ऑफ 80 70 का स्कोर, स्कोर यानी आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सिमिलरली 2019 में भी 69.20 ऑलमोस्ट कट ऑफ उसी रेंज का है, यानी आप ऐसा एज्यूम करके चलिए इस साल भी आउट ऑफ 80 जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वैसा एग्जाम होने के पहले ऐसा कट ऑफ बोलना गलत होता है, क्योंकि कट ऑफ डिसाइड होता है पेपर के लेवल को ध्यान में रखते हुए, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं, एप्लीकेंट कितने हैं, कंपटीशन कितना है, ये हर एक चीज़ का इम्पैक्ट वो कट ऑफ के ऊपर आता है, ठीक है ना। वैकेंसीज ज़्यादा होगी पेपर नॉर्मल होगा, तो मान लो कट ऑफ आपका कम, वैकेंसीज ज़्यादा होगी पेपर नॉर्मल है, ठीक है ना, तो कट ऑफ कम हो सकता है। पेपर टफ होगा तो भी कट ऑफ कम हो सकता है, बराबर ना। इट डिपेंड्स, कट ऑफ डिपेंड करता है पेपर के लेवल और वैकेंसीज के ऊपर, बट अपन एक जनरल ट्रेंड अगर एज्यूम करके चलते कि भाई पिछले साल जिस टाइप की एग्जाम्स कंडक्ट होती थी, अगर उसी टाइप से आपकी एग्जाम कंडक्ट हो रही है, तो उसी लेवल का एग्जाम हो रहा है, तो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास का कट ऑफ आ सकता है, या तो फिर इसको हम लोग 65 to 70 का रेंज एज्यूम कर सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको 65 to 70 का कट ऑफ मेंटेन करना है, 65 to 70 का स्कोर करना है, तो बट आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होना चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये अटेम्प्ट्स कितने होना चाहिए, ये प्लानिंग के साथ में अपने को वर्क करना है। 45 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है, अब 45 मिनट्स में 65 to 70 का स्कोर चाहिए, तो आप ऐसा एज्यूम करो अप्रोक्सीमेटली 75 क्वेश्चंस के आसपास आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 75। देखो, बोल नहीं सकते हैं। लास्ट वीक जो आरआरबी ऑफिसर लेवल का एग्जाम हुआ है,
उसके हिसाब से एवरेज में 60-65 के आसपास भी, अगर कुछ लोगों ने एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, अराउंड 65 क्वेश्चन विथ अच्छी एक्यूरेसी के साथ में, तो उनका कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस है, क्योंकि पेपर का पैटर्न थोड़ा सा उस टाइप से था, ठीक है ना। यहाँ पर भी अगर पेपर का लेवल एकदम से बढ़ जाए, पेपर का लेवल जो नॉर्मली होता है पिछले 2-4 साल से जिस टाइप का पेपर हो रहा है, अगर उससे थोड़ा सा अगर वो लेवल बढ़ जाए सपोज, तो कट ऑफ कम हो सकता है। मैं नॉर्मल लेवल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंपैरेटिवली अदर एग्जाम्स आरआरबी का पेपर कंपैरेटिवली सिंपल होता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस इतने सिंपल होते हैं, आप देखते बराबर 10-10 सेकंड, 15-15 सेकंड, विद इन 10-15 सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, इसको ध्यान रखना। इतना आसान पेपर कभी कभी वहाँ पर होता है, ठीक है ना। उसमें से कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन अभी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, जो अपना सबसे पहला पॉइंट होता है। जैसा अगर हम लोग पेपर पैटर्न की बात करते हैं, तो चांसेस जनरली क्या चलेगा, देखो आप लोगों को अराउंड सिंप्लीफिकेशन रिलेटेड 10 क्वेश्चंस, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन, देन नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, ठीक है, देन डेटा इंटरप्रिटेशन मे बी 5 क्वेश्चन, एंड बचता है फिर अपना थ्योरेटिकल। कुछ लोग इसको मिसलेनियस भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको कमर्शियल मैथ्स भी बोलते हैं, इससे रिलेटेड आपको अराउंड 10-15 क्वेश्चन, ठीक है ना। ये जो थ्योरी और मिसलेनियस मैं लिख रहा हूँ, इसमें अगर मान लो 15 आ गए तो ऊपर का पैटर्न फिक्स रहेगा, यहाँ पर मान लो 10 ही आ गए तो इधर कहीं तो भी 1-2 क्वेश्चन कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। एक कंसेप्ट इसमें और मिलता है, जो भी लास्ट संडे को एग्जाम हुआ था वहाँ पर वो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 बोलकर कुछ आया था, ठीक है ना। कंसेप्ट सिंपल सा होता, कुछ नहीं है, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 इज नथिंग बट अपन जो थ्योरेटिकल मैथ्स पढ़ते हैं, एवरेज परसेंटेज वगैरह वगैरह जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं, उसी टॉपिक के 2 सिंपल क्वेश्चन यहाँ दिए जाते हैं, और दोनों क्वेश्चन के जो आंसर्स आते हैं वो आंसर को आपको कंपेयर करना है इन टर्म्स ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग आंसर लिखते हो, आपके पास में 5 ऑप्शंस होते हैं जनरली, भाई एक्स एंड वाई के फॉर्म में क्वेश्चन बनता है जनरली, क्वाड्रेटिक के आंसर आप कैसे लिखते हो, एक्स इज ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस और इक्वल, ऐसे 4-5 ऑप्शंस आपके पास में होते हैं। एक ऑप्शन कभी कभी ऐसा बनता है कि भाई रिलेशनशिप डिफाइन नहीं होगी, ऐसे 4-5 ऑप्शंस वहाँ पर होते हैं। सिमिलरली क्वांटिटी 1 और 2 में वही केस वहाँ पर आने वाला है, क्वांटिटी 1 और 2 में वही केस वहाँ पर बनने वाला है कि 2 सिंपल से क्वेश्चन सामने आएंगे, फटाफट दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, दोनों के आंसर को कंपेयर करो, और एक्स और वाई दो आंसर, भाई पहला और दूसरा दो आंसर, अपन एक्स एंड वाई बोलते हैं सपोज, उसको कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस है, इक्वल है, क्या है, वो आपको वहाँ पर लिखना है। कभी कभी ऐसा हुआ था 2 साल पहले क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के कुछ क्वेश्चन एग्जाम्स में आए थे, और एग्जाम से बाहर आने के बाद लोग बोलते सर पेपर कुछ अजीब ही था, वो क्वांटिटी 1 2 पूछ लिया उन्होंने, कुछ तो नया ही पूछ लिया था। तो एक्चुअली ऐसा नया कुछ नहीं होता, ध्यान रखिएगा, आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो सब कुछ वही रहने वाला, नया निग्लिजिबल, बहुत कम कुछ नया मिलता है। हाँ, नया सिर्फ क्या होता है, पूछने का तरीका, भाई मैंने एवरेज टॉपिक पूछा नहीं, लेकिन क्वांटिटी 1 2 में ही एवरेज के 2 क्वेश्चन आए थे, सर एवरेज का तो क्वेश्चन नहीं पूछा, तो क्वांटिटी 1 2 में एवरेज यूज कर लिया, सिंपल 2 क्वेश्चन बना दिया। जो अपन बेसिक क्वेश्चन पढ़ते हैं उस टाइप के एकदम सिंपल से क्वेश्चन क्वांटिटी 1 2 में आते हैं, और उसके ऊपर 5 क्वेश्चन दिए तो 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वांटिटी 1 का एक आंसर निकालना है, क्वांटिटी 2 का एक आंसर निकालना है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर वो 1 क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो कंपैरेटिवली क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन स्कोरिंग कैसे मेंटेन करेंगे, मीन्स आप ऐसा अज्यूम कर लो कि आपको अराउंड 35 के आसपास के क्वेश्चन 40 में से मैथ्स के सॉल्व करना ही है, सो थोड़ा सा टाइमिंग को ध्यान में रखते वर्किंग करना है। जैसा अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो विद इन टाइम ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सेम पैटर्न सीरीज की मैं बात करता हूँ तो 5 में से 4 सीरीज डेफिनेटली आपकी सॉल्व हो जाएगी, एक खाते में मे भी इशू आ सकता है, डीआई के 5 में से 4 क्वेश्चन एकदम इजीली कम से कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सिंप्लीफिकेशन 10-12 क्वेश्चन आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाते हैं। अब अगर इसमें से एक आध दो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से वगैरह अपना छूट रहा है, यहाँ से अगर मान लो कम हो रहा है, तो जो बाकी का जो कंसेप्ट है थ्योरी का, रिमेनिंग क्वेश्चन यहाँ से अपने को अटेम्प्ट करना है, पूरे के पूरे थ्योरी के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो भी चल सकता है, कोई इशू नहीं। बट फिर जो ऊपर सिंप्लीफिकेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर सीरीज है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, इसके अगर ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपने अच्छे से अटेम्प्ट हो गए तो
तो बहुत अच्छे से आप लोग वहाँ पर स्कोर कर सकते हो, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो हम लोग अब क्या करते, देखो कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मैंने सिंप्लीफिकेशन के कुछ 10-12 क्वेश्चन निकाले हुए हैं, उसको हम लोग अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान थे, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सिर्फ क्या क्या दिया हुआ, ठीक है ना, और बहुत इजीली क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ध्यान से। ठीक है, आइए अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 to 40 रीजनिंग का था, तो मैंने अभी रीजनिंग नहीं लिया, मैंने सिर्फ यहाँ पर 12 वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लास्ट ईयर 12 थे वो 12 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया डिस्कशन के लिए। रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसके अलावा और भी मैथ्स के रिमेनिंग क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिया था, आपने इसको थोड़ा ध्यान से देखना, 41 to 52 यानी लास्ट ईयर अराउंड 12 क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफिकेशन रिलेटेड वहां पर पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन थे अपने? 12 क्वेश्चन थे। ठीक है, ध्यान से देखो क्या पूछा था, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी ये जो भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये क्वेश्चंस में क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन आएगा, ऐसा आपको यहाँ पर पूछा था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में देखो 41 नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क -0.5 क्वेश्चन पहले समझ लो। देखो मैंने आपको बोला था कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, आपको अगर इसको सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करते आएगा ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्या होगा, अपन क्या रहते हैं, अब आप लोग रफ पेपर पर वर्क करने वाले हो, सोचिए एज इट इज अपन एग्जाम में बैठे हुए हैं, ये क्वेश्चन जो है दिख रहा है आपको, एंड बिन ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क -0.5 डिवाइड बाय ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 0.2 इक्वल टू 120 डिवाइड बाय, एकदम सिंपल फालतू सा क्वेश्चन है, 10 to 15 सेकंड मिल जाए तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, एकदम सिंपल, क्या करोगे वो मान लो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप जब रफ वर्क करोगे तो आपने क्या करना चाहिए, ये इक्वल टू लिख दिया मैंने, ध्यान से देखिएगा राइट हैंड साइड में 120 डिवाइड बाय 2 दिख रहा है, इसका मतलब ये 60 आ गया। ठीक है, 0.2 का मतलब 1/5 होता है, यानी यहाँ पर ध्यान से देखो हम एक्स -0.5, ठीक है, ये डिवाइड में, ये इसके डिवाइड में ना, ब्रैकेट को डिवाइड में है, ये पूरा डिवाइड में 0.2 है, तो ये डिवाइड का 0.2 अगर राइट हैंड साइड में चला गया क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 0.2 का मतलब होता है 1/5, 1/5, एंड देखो कितना आसान सा काम था, ये 0.2 ऑटोमेटिकली यहाँ से कैंसिल हो गया और 60/5 के यहाँ पर आता है 12, और लेफ्ट हैंड साइड में जो 0.5 यहाँ पर माइनस था, ये जब राइट हैंड साइड में चले जाएगा तो यहाँ पर प्लस होने वाला है 0.5, तो आपका आंसर बनने वाला है 12.5। क्वेश्चन सॉल्व होगा, कितना आसान क्वेश्चन था, आप देखिएगा, यानी अपना जो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो आंसर बनने वाला है आपका यहाँ पर 12.5, ये रहेगा आपके क्वेश्चन का आंसर, आप इसको ध्यान रखिएगा, एकदम सिंपल सिंपल तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसको देखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या हुआ? यस, एक बार कमेंट करना, तो ये क्वेश्चन समझा नहीं समझा आपको, एकदम सिंपल था, आंसर बनेगा 12.5, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था आपका यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अपन, नेक्स्ट आगे आओ, बढ़ो आगे, यस, चलो ध्यान से देखिएगा मिस, जो वर्किंग करने का तरीका आप लोगों को चेंज करना है, जिस टाइप से मैंने यहाँ पर लिखा था ना, और राइटिंग वर्क आपको चेंज करना है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यस, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया आपने को, नंबर 42 अगेन, 80% ऑफ, ध्यान से देखना क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखना, 80% ऑफ इन ब्रैकेट 1.5 × 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 24 ऐसा दे दिया। अब इसको सॉल्व करना है तो अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मान लो एक क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, क्या करना पड़ेगा इसके लिए अपने को, ध्यान से देखिएगा, ये 1.5 × 4 अपन हाफ एंड डबल कर लेते हैं, ठीक है, तो 1.5 का डबल होता है 3, इसका आधा होता है 2, 3 × 2 हो जाएगा 6, यानी 6 + x, ठीक है, 6 + x, अब बताओ, ऐसे रखता हूँ, ध्यान से देखिए, ऐसे रखता हूँ, ठीक है, 80% है, 80% का मतलब देखो ध्यान से, मैं एक बार लिखता हूँ और फिर आपने क्या करना चाहिए वो भी बता दो, ध्यान से देखिए,
मैं एक बार पूरा लिखता हूँ ना, आपने ये नहीं लिखना, आपको अलग तरीका अप्लाई करना, ध्यान से देखिएगा। 80% मीन्स बन जाता है 80/100 इंटू क्या है वो ब्रैकेट में, 1.5 × 4 करेंगे तो आएगा आपका यहाँ पर ब्रैकेट में 6 + x = 24। यस, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये तो ठीक है, मैंने इतना लिख दिया था, लेकिन आप अगर एग्जाम में बैठे हो तो आपने ये नहीं करना चाहिए था। आप क्या करोगे फिर? तो एकदम सिंपल कंसेप्ट अपन अप्लाई कर लेते हैं। ये 80/100 इंटू एक्स ये आपको नहीं करना है, फिर क्या करना है ध्यान से देखो मैं क्या करता हूँ। आपने क्या करना चाहिए था, आपके आपको एकदम कंफर्म पता, ध्यान से देखिएगा। इक्वल टू का साइन सबसे पहले अपने लिखना चाहिए, इक्वल टू 24, इक्वल टू ऊपर आपके ये क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, और आप इन ये मैं जो नीचे लिख रहा हूँ ये आपको लिखना, ध्यान से देखिएगा क्या लिखना है। अब बताओ 80% है, अच्छा ऑफ का मतलब क्या होता है इंटू, और लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटू में रहेगा उधर जाकर उल्टा हो जाएगा। 80% मतलब यह बनेगा 80/100, जब उसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो हो जाएगा 100/80, ठीक है। और यहाँ पर बचा अपने पास में 6 + x, कितना आसान सा क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखो पापा, ये 0 0 मेरा है कैंसिल हो जाता है, ठीक है, वो 0 कैंसिल होगा, 8 1 8, 8 3 24, और 3 × 10 बना 30, एक्स इक्वल टू ये 6 उधर शिफ्ट कर दूंगा, माइनस हो जाएगा, मेरा आंसर बन जाएगा 24, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखो, राइटिंग वर्क समझना, देखो ये 24 हर किसी का आंसर आता है, आंसर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका भी आंसर 24 100% हर किसी का आता है, जितने लोग आते हैं ना हर कोई 24 आंसर देता है। पॉइंट ये है कि वो आंसर निकालने में आप लोग टाइम कितना लगाते हो, और ये टाइम डिपेंड करता है आप क्वेश्चन का रफ वर्क कैसे करते हो, यानी क्वेश्चन में लगने वाला जो टाइम है ना वो टाइम डिपेंड करता है आपके रफ वर्क के ऊपर, आप कितना लिखते हो। जितना ओरली सोचोगे उतना कम लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा सोचने का तरीका इस बार चेंज करना है, एग्जाम में है। अगली स्टेप में इफेक्ट क्या होता है वो डायरेक्टली दे दीजिए, भाई पहली स्टेप होगी फिर अगली स्टेप, तो आपके माइंड जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आते हैं तो आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट हो जाइए, टाइम बचता है, कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व होता है, मैक्सिमम 10 सेकंड 15 सेकंड मिल जाए, विद इन 10 to 15 सेकंड आराम से ये क्वेश्चन हम लोग वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या दिया हुआ है, अगेन क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया हुआ अपने को, 60% ऑफ क्वेश्चन मार्क, मान लो सपोज एक्स क्वेश्चन मार्क है ना, एक्स सपोज 60% ऑफ एक्स माइनस √324 इज इक्वल टू 222। अगेन आप एग्जाम में बैठे हो, क्या करोगे कि मैंने इक्वल टू लिख दिया 222, ध्यान से देखिएगा, ये 322 का रूट माइनस में 322 का रूट बनता है 18, और ये जो माइनस में 18 था ये राइट में गया तो प्लस होने वाला है, तो आप यहाँ पर 18 प्लस कर दिया तो ये सीधे होगा 40, 22 18 40, 240 आ गए, ठीक है, आगे 240। बस सिंपली अब इतना बता दो किसका 60% 240 होता है, अच्छा 60% ऑफ एक्स, अब 60% का मतलब है 60/100 आता ना, यह लिखना ही नहीं, ये 60/100 नहीं लिखना, ये डायरेक्टली 100/60 करो, 61 + 60 ये आएगा, 6 4 = 24, 4 × 100 आंसर बन जाएगा 400, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बड़ा आसान सा सवाल था, ठीक है ना। वो जो जिनको कट ऑफ सुनकर डर लग रहा था ना कि सर 80 में से 70 मार्क कैसे लेंगे अपन, तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्वेश्चन देखो कितने फालतू है, बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 10 to 15 सेकंड 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, मेरे को बताओ क्या करना था हर क्वेश्चन, इसका रूट 18 उधर शिफ्ट कर दिया 240 आ गए, और ये 60% था ना, यानी आपको सिर्फ क्या करना था 240, 60% मतलब 60/100 तो इधर आएगा × 100/60, कहानी खत्म हो गई, और 60 × 240 = 6 4 = 24 4 100 × 4 400 आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कितना आसानी से आंसर बनता है, 15 सेकंड मेरे हिसाब से सॉल्व करने के लिए बहुत हो गया, और बाकायदा सेम। अब देखो ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो एज इट इज यही क्वेश्चन थे, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, बट आप ऐसा ज़ूम करिए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट 80% एग्जाम से मैच हो जाते हैं, ऑलमोस्ट कंसेप्ट वहाँ पर यही था, सिर्फ ये नंबर वंबर थोड़े से चेंज हो सकते हैं, और शिफ्ट बहुत सारी होती है, तो कोई ना कोई शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए रहते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम बहुत आसान होता है, तो जानने के पहले ऐसा मत सोचना कि अपने बस की बात नहीं है, 45 मिनट्स में
अपन 70+ अटेम्प्ट कैसे करेंगे, डरना नहीं है, आराम से होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा सिस्टमेटिकली प्लानिंग करना है। जहाँ पर आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन लेंदी है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तुरंत स्किप कर दो, आगे बढ़ते जाइए, तो आपका काम बहुत फास्ट वहाँ पर होगा, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आइए, 44, ध्यान से देखो, 2 1/4 + 4 into 8 is equal to, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम सिंपल वर्किंग है, ध्यान से सोचना, हाँ, विदाउट राइटिंग आपका वर्क कैसे बनता, ध्यान से देखिएगा, सोचो, 2 1/4, अच्छा 1/4 मतलब 0.25 होता है, 2.25, हाँ, जैसे ये 1/4 का मतलब 0.25, ये सबको पता है, ठीक है, और ये 2 और 0.25 का मतलब, ये सिंपली अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ, तो ये आपका 2.25 बन जाता है, अच्छा 2.25 प्लस 6 प्लस 4, 2.25 प्लस 4 क्या बनता है, 6.25, यस और नो, और ये 6.25 को इंटू करना था 8, इंटू क्या करना था 8, आप ओरली कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा, ये 2.25 और 4 ये 6.25 आ गया, 6.25 इंटू 8 करना है, इंटू 8 का मतलब डबल के डबल का डबल, ठीक है, बोलो 6.25 का डबल 6.25 का डबल 12.5, 12.5 का डबल 25, 25 का डबल होता है 50, क्या होता है 50, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 50 आंसर बनता है, तो 5 से, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऑप्शन डी आंसर आ गया, हिसाब खत्म हो गया, मेरे हिसाब से 15 सेकंड मिल गए तो बहुत हो गए, बहुत हो गए, लगते नहीं 15 सेकंड, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना फिर से, 2 1/4 इज नथिंग बट 2.25 होता है, और यहाँ पर क्या था, ब्रैकेट में 2.25 इंटू 8 था, सो 2.25 × 8, तो हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसा पढ़ा हुआ है हम लोगों ने कि कहीं पर भी नंबर को मल्टीप्लाई करना तो अपना हाफ एंड डबल का कंसेप्ट चल जाता है। अच्छा सेकंड थिंग, इंटू 8 का मतलब और भी सिंपल है ना, डबल के डबल का डबल, तीन बार करना है, तो 6.25 का डबल 12.5 का डबल 25 का डबल बनता है 50, यानी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बन गई 50, और 50 आने के लिए x को किससे, 10 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो ऑब्वियसली 10 × 5 कर लो, 50 आंसर बन जाता है, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा अपना 5, इतना सिंपल क्वेश्चन है, 15-15, 20-20 सेकंड में सॉल्व होता है, ध्यान रखो। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हम लोग, कुछ समझ में आ रहा है सब लोग, एक बार कमेंट कर दीजिए, तो फास्ट में समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, क्लियर है सबका, मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ पैटर्न समझ में आ रहा है, हम लोग कहाँ गलतियाँ करते हैं अपना, कहाँ टाइम पास होता है, आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, टाइम कैसे अपन सेव करेंगे इस चीज़ के ऊपर सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए, कम से कम टाइम में मैक्सिमम वर्किंग, एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है, आपने 60 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते 1 सेकंड पर क्वेश्चन भी मैं पकड़ लूँ तो आराम से 70 सेकंड बन जाते हैं, जो कि कम से कम 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, अगर आप थोड़ा सोच समझ कर वर्किंग करते हो ना, एक क्वेश्चन में 1 सेकंड, 1 सेकंड पर क्वेश्चन, और 70 का भी आपका टारगेट होगा ना, तो 70 क्वेश्चन में 70 सेकंड 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं आरआरबी के एग्जाम में, 2 क्वेश्चन 2 मार्क, कितने हैं 2 मार्क, और पास और फेल के बीच में 0.5 का भी 0.25 की भी गड़बड़ होगी ना, तो आगे पीछे हो जाता है, पूरा साल भर का वेटिंग हो जाएगा फिर से, तो अपने लिए एक एक सेकंड वहां पर इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, और आपने लिखते लिखते देखो जैसा मैंने बोला, ये 6.25 इंटू 8 करना, जब आपको एक क्लिक हो गया 2 और 4 6 इंटू 8, तो 6.25 इंटू 8 भी आपने नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि 6.25 इंटू 8 लिखने में भी 2-3 सेकंड लग जाते हैं, आपने यही सोच लेना चाहिए था, 6.25 इंटू 8 का मतलब तो डबल के डबल का डबल मेरे को पता है, तो डायरेक्टली 6.25 का डबल 12.5, 25 और हो गए 50, अच्छा 10 इधर आ गए, 50 upon 10 5 क्वेश्चन सॉल्व, 10 सेकंड मिल गए, 10 सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाता आर पार, और यही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां से आप टाइम बचाओगे, तो बचे हुए क्वेश्चन में जो क्वेश्चन टाइम कंज्यूम करते हैं वो अपन सॉल्व कर पाएंगे, और इसमें भी अगर मान लो 30-40 या 50 सेकंड एक एक क्वेश्चन में लगा दिया, तो फिर आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, इसको ध्यान रखना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन, 45, ध्यान से देखना, कोई गड़बड़ नहीं है, क्वेश्चन जब सामने आता है ना, ध्यान से देखो, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 90, ब्रैकेट में
90 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 64 दिए हुआ है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा वर्क एग्जांपल ना वर्किंग होगा कैसे ध्यान से देखिएगा। ऐसा सोचिए 2 क्यूब 8 इनटू 3 स्क्वायर 9, 8 9 से ये 72 आ गया आपका, ठीक है। और ये 2 का क्यूब बनता है आपका 8, ठीक है 8 मैं लिखता हूँ, लगे तो देखो आपने लिखना नहीं है। 2 का क्यूब क्या बनता है 8 इंटू 9 होगा 72 मेरे, और 72 को मेरे को डिवाइड करना है किससे किससे 90 अपॉन समथिंग से, बराबर ना। और वो सब होने के बाद ध्यान से देखो 8 इंटू 9 इसको किसी से तो भी डिवाइड करना है यहाँ पर अपने को, और उसका आंसर आना चाहिए 8। अरे भैया मेरे वहाँ 8 चाहिए तो सीधा नीचे 9 लिख देना, तो 9 कैंसिल होगा तेरा 8 आंसर बच गया। और ये 9 का मतलब क्या, तो 90 को किससे डिवाइड किया तो 9 आता है तो आंसर बनता है 10, ऑप्शन सी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कितना आसान था, थोड़ा सोचो, रिपीट कर रहा हूँ स्लोली, अब ध्यान से देखना क्या है ऐसा डिस्कस किया ना, तो सॉरी क्या हो रहा है अपनी आदत नहीं रहती ऐसी। ध्यान से देखो, ये 2 का क्यूब 8 इंटू 3 का स्क्वायर 9, अभी डिवाइड में, ये डिवाइड में 90 डिवाइड बाय एक्स, तो मैं यहाँ पर अभी कुछ नहीं लिखता, उसी पे 90 डिवाइड बाय एक्स है लिखना है मेरे को, ध्यान रखिएगा ठीक है। इज इक्वल टू अंडर रूट 64 का मतलब होता है 8, तो मेरे को सिंपली बताइए ये 8 था उधर भी 8 है, तो अपन ने अगर ये यहाँ का 9 कैंसिल कर दिया, ये वाला 9 कैंसिल कर दिया, अच्छा ये 9 कैंसिल कैसे होगा, नीचे 9 लिख देता हूँ, 9 9 कैंसिल हो गया, 9 9 कैंसिल 8 8 आंसर बच गया, हिसाब खत्म हो गया। यानी यहाँ पर चाहिए 9, और ये 9 कहाँ से आएंगे, तो 90 अपॉन एक्स इक्वल टू 9, 90 डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू 9, तो 90 को किससे डिवाइड किया तो 9 आता है 10 से, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी 10, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यस, बस ये थोड़ा सा तरीका सीख लो, थोड़ा सा स्टेप से प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान कंसेप्ट होता है, बहुत इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 46, ध्यान से देखिएगा। अगेन राइटिंग पे दिमाग नहीं लगाना, मैं जो बोल रहा हूँ वैसा सोचिए, सबसे पहला काम बहुत आसान है, अने मैं देखो तुम्हारा आंसर आ गया, इसका 60 आंसर आने वाला है, ऐसा एक बार नीचे दिख लिया ना ऊपर दिख लिया तो हिसाब खत्म हो जाता है। क्वेश्चन को देखो ना ऊपर देखो, 5 सेकंड बहुत हो गए, 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होता है, 5 सेकंड में, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ, ये 22.5 है, देखो ध्यान से देखना, मैं लिख कर बता देता हूँ आपको क्या सोचा मैंने, 60 कहाँ से बोला, 22.5 डिवाइड बाय 2.5 था। अपन ने जो लोग आपने पढ़ाई करते थे पढ़ा होगा ना भाई, नीचे ऊपर पॉइंट के आदमी एक एक डिजिट, इसका कुछ काम नहीं है, पॉइंट कैंसिल हो जाता है, सिंगल डिजिट कैंसिल, ठीक है। तो ये तो यही दिखता ना भाई, 0.5 यानी एक एक गायब, 25 नाइनजा 225, हाँ टेबल होना चाहिए, अब वो कंडीशन अपने टेबल कितने पढ़े आपको कितना आए तो आपकी बात है, बट जिसने पढ़ाई की हुई एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तो आदमी बहुत आसानी से काम कर सकता है। 25 का ये 9 टाइम्स, अच्छा तो इसका आंसर बनता है 9 इंटू 8, 9 8 जा 72, माइनस 12, 72 में से 12 का आंसर बच गया 60, हिसाब खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट यही पैटर्न, थोड़ा सा 10-20% वेरिएशन हो सकता है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बाकायदा आते हैं, इसीलिए तो कट ऑफ 70 के रेंज में आता ना। आप सोचिए ना यार, 70 के रेंज में कट ऑफ है तो लोगों ने, अच्छा कट ऑफ है ना, वहाँ क्लोज है, उससे ऊपर की स्कोरिंग लोगों की होती है भाई। जैसा मैंने अगर बोला कहीं पर आपको 69 का कट ऑफ है, तो 69 का कट ऑफ है ना, टॉपर 69 नहीं है, 69 एंड अबव वाले लोग उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया, बराबर ना, 69 एंड अबव वाले शॉर्टलिस्ट किया, इसका मतलब लोगों की स्कोरिंग 69 अबव है, 69 प्लस स्कोरिंग है, तो किसी का 70, 72, 74 भी हो सकता है, और वैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है और आराम से विद इन टाइम ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसीलिए वो स्कोरिंग वहां पर बनती है, आपने ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट 47 पे अगेन ध्यान से देखना क्या करना है, क्वेश्चन अगेन पहले जैसा, यहाँ पर आ जाइए, 15 × 2 = 30, 30 × 3 = 90, 90, ये 18 उधर चले गए, 90/18 आंसर 5, हिसाब खत्म हो गया, कहाँ पर है, ऑप्शन बी खत्म। अपने को लिखने में जितना टाइम लगता है ना, अपन ऊपर का क्वेश्चन स्क्रीन पर ही देखेंगे, कि ऑनलाइन एग्जाम देना है, स्क्रीन पर देखेंगे फिर पेपर पे ऐसे लिखेंगे 18 × x = 15 × 2 × 3, एक्स चाहिए तो एक्स इक्वल टू 15 × 2 = 30 × 3, 90 डिवाइड बाई 18 = 5, ये
के टाइम पास करना नहीं है, ध्यान रखो। बहुत आसान था ना, वही स्क्रीन पर ही कर लेना। देखो सिंपल है, दिमाग चलाओ, पेन चलाओ। पेन चलाने के लिए दिमाग बोलता है, हाँ बेटा ऐसा ऐसा लिख, पहले ये लिख, फिर वो लिख, फिर वो लिख। पेन खुद से नहीं चलता है, तो उसको बोलना पड़ता है। दिमाग तो खुद के खुद दौड़ता है ना, इसको थोड़ी बोलना है किसी को। तो जैसा देखा भाई, हाँ एक्सटेनर ठीक है, सब इंटू इंटू है, 15 × 2 30 × 3 90, वो 18 इधर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई का डिवाइड में आएगा 90/18, आंसर खत्म। पाँच आंसर आता है, 18 × 5 = 90, टेबल आना चाहिए, 18 × 5 = 90 पता होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू आएंगी 5। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट 48, ध्यान से ना, सिंपल है, ध्यान से देखो, ये कौन है 36 है, ठीक है, प्लस है, साइन पे थोड़ा ध्यान देना, प्लस 25 डिवाइड बाय 0.5 है। अच्छा डिवाइड बाय 0.5 का मतलब आधा है, बराबर है। अब किसी भी नंबर को आधे से डिवाइड किया ना, तो आंसर डबल ही हो जाता है। आधे से डिवाइड करना है, आधे आधे टुकड़े करना है, तो अगर मैं 25 को आधे से डिवाइड कर लो तो मेरा आंसर यह बनता है 50। कितना बनेगा 50। अच्छा ये 50 आ गया, 50 आ गया ना, 25। अब ये कुछ बेसिक तो पता होना चाहिए, 25 डिवाइड बाय 0.5 यानी आधे से डिवाइड करना है। जब भी किसी नंबर को अपन आधे से डिवाइड करते हैं तो आंसर डबल हो जाता है, यानी कहीं पर भी आप चले गए 100 डिवाइड बाय आधा 1/2 सपोज, तो आंसर 200 हो जाएगा। किसी को भी आपने कर दिया 64 डिवाइड बाय 0.5, तो आंसर 128 होने वाला है। आधे से डिवाइड करोगे आंसर डबल होता है, तो 25 को आधे से, क्योंकि बोर्डमास के हिसाब से डिवीजन पहले होता है ना, बोर्डमास के हिसाब से 25 डिवाइड बाय 5 पहले होने वाला है। सो 25 को मैं 5 से 0.5 से डिवाइड करूँ, ये हो गया मेरे 50। 50 और 36 बन गया 86, वो इंटू के 43 अगर इधर आ गया ना, तो 86/43 कर लो, आंसर बनता है 2। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई। कोई क्वेश्चन 10-15 सेकंड के ऊपर टिकता नहीं है, आराम से खत्म हो जाता है। अब वो अपने ऊपर, अपने को कितने सेकंड उसको चलाना है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा सिस्टमेटिक प्लानिंग से वर्क किया, आप अच्छे से काम करते हो तो आराम से 15 सेकंड में आपका सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। उन्होंने 10 से 12 क्वेश्चन, जैसे लास्ट ईयर 12 थे मान लो, ऐसे अपने को भी मान लो ऐसे 12 क्वेश्चन आ गए, और एक क्वेश्चन को 15 सेकंड भी आपने दिया, 15 × 12 180 सेकंड, विच इज इक्वल टू 3 मिनट्स। एक मिनट और एक्स्ट्रा ले लेते हैं अपन, 4 मिनट के अंदर, विद इन 4 मिनट्स सिंप्लीफिकेशन के 12 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, विद इन 4 मिनट्स। अगर मान लो यही पैटर्न चलता रहा तो 4 मिनट के अंदर आराम से आप 12 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के अटेम्प्ट कर लोगे। आप देख लो ऑलमोस्ट 48 क्वेश्चन हो, 48 यानी 8 क्वेश्चन होगा सपोज अपने। कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा दिमाग किसी ने खाया नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम अपने कहीं पर भी दिया नहीं, सिर्फ कंडीशन एक ही है, करने का तरीका समझना है। किस टाइप से क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे ना, वो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपने सही तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है तो बहुत आसानी से आप लोग स्कोरिंग कर सकते हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितना कम लिखोगे उतना फायदा है, जितना कम लिखोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं, ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट 49, अगेन ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। अंडर रूट एक्स इंटू 4 इक्वल टू 1/4 ऑफ 8 स्क्वायर। अच्छा अब बताओ, 8 का स्क्वायर 64 सबको पता है, 1/4 का मतलब आधे का आधा होता है। अच्छा 64 के आधे का आधा यहाँ पर आ गया 16, कितना आ गया 16, और ये 4 इंटू में था आएगा डिवाइड में, तो 16 डिवाइड बाय 4, यहाँ पर 4 ही बनता है, क्या बनता है 4। फिर वो क्वेश्चन बना अंडर रूट एक्स इक्वल टू 4, बराबर ना, तो x की वैल्यू आएंगी 4 का स्क्वायर 16, खत्म। कहाँ पर 16, ऑप्शन ही। फिर से करता हूँ, ध्यान से देखो, जितना काम ओरली होता है, जितना दिमाग चलाओगे काम उतना फास्ट होता है, ध्यान से देखना। अपन करते इसको फिर से, अंडर रूट एक्स इंटू 4 इक्वल टू 1/4 ऑफ 8 स्क्वायर 64 बनता है, ठीक है। अब वो 64 को अगर मैं वहाँ 4 से डिवाइड कर लूँ तो मेरा आंसर यहाँ बन जाता है 16, ठीक है। और अंडर रूट एक्स इंटू 4 है डिवाइड में चला गया, तो अंडर रूट एक्स इक्वल टू आ गया 4। एक्स का वैल्यू चाहिए, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड वाला कंसेप्ट अप्लाई कर लो, एक्स इक्वल टू 16, हिसाब खत्म हो गया अपना। बट ये लिखना नहीं है, इतना तामझाम, ये अपना ये टाइम पास है, जिसको करना है ना उसने कर लेना। अब कुछ आ ही नहीं रहा, लोगों को नहीं पता चलना है, अपने कुछ आ नहीं रहा है, इधर उधर नहीं देखना है, ऐसे मस्त डिटेल में लिखना, आराम से टाइम पास हो जाएगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। लोग तो बोलेंगे यार बहुत ही होशियार आदमी, ऊपर देख भी नहीं रहा, बहुत आंसर आ रहा है इसको, दिखावा करना होगा तो बात अलग है। अटेम्प्ट स्कोरिंग चाहिए, ये नहीं करना है। क्या करोगे, 64 1/4 16
वो चार आ गए, चार, तो अंडर रूट एक्स इक्वल टू चार, किसका रूट चार बनता है भाई, 16 का रूट चार बनता है, ये आंसर आ गया, हिसाब खत्म हो गया, बहुत आसान सा। ठीक है, नेक्स्ट 16 वन बाय टू माइनस 2 वन बाय टू प्लस 4, खत्म, 78 के आसपास का आंसर बनता है। कैसे, ध्यान से देखो, ये 1/2, ये 1/2, हिसाब है ही खत्म, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। याद करो सिंप्लीफिकेशन जब आप लोगों को पढ़ाया जाता था तब ये बोलता था मैं, ये 16 वन बाय टू के बीच में यहाँ पर कोई साइन नहीं का मतलब वन प्लस लेते हैं, और अगर फ्रैक्शन के पहले माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस भी लेते हैं, ऐसा कुछ हुआ था, याद करो आप बेसिक में। बस वो पैटर्न अगर आप लोगों को याद है, थोड़ा सा बेस अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये काम अपन ही खत्म कर सकते। ध्यान से देखो, ये 16 वन बाय टू नहीं, ये पॉजिटिव वन बाय टू था, निगेटिव वन बाय टू, इसका हिसाब खत्म हो गया। अच्छा बचे 16 में से 2 गए, 14 बचे। अच्छा 4 का क्यूब 64 बनता है, 64 और 14 कर लो आंसर 78 आता, हिसाब खत्म हो गया, सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आप कैसे करते हो ना, ये सब उसके ऊपर खेला है। चलो आगे, नेक्स्ट 51 देखो, अगेन 221 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अंडर रूट 169 दिया हुआ है। ध्यान से देखो, सबसे पहला काम, तो ये माइनस था तो लेफ्ट हैंड साइड में के प्लस होने वाला है, तो उसके लिए आप सबसे पहला काम क्या करोगे, ये 221 को 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब देखो 221 इंटू 3 अगर अपन करते हैं, 221 इंटू 3 अगर मैं कर रहा हूँ, तो 200 का 200 इंटू 3 600 होता है, 21 3 जा 63 होता है, तो 663, ठीक है 663 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ना, और जो माइनस 169 का रूट बनता है 13, ये माइनस 13, यहाँ पर जो माइनस 13 है ये उधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ये उधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस 13 कर लो, ये बन गया 676 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो 676 किसका स्क्वायर है, तो 26 का है, तो 26 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, अपने को तो एक्स लिखना होता है ना, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा 26, ऑप्शन आएगा इसका डी इज द आंसर, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 26 इज द आंसर, आप वर्किंग कर सकते हो। नेक्स्ट 52 लास्ट नंबर का क्वेश्चन था, सिंपलीफिकेशन के 12 क्वेश्चन में से, ध्यान से देखिएगा, 12 इंटू एक्स प्लस 225 इज इक्वल टू 105 इंटू 5, एक काम करते हैं पहले, ये 105 इंटू 5 कर लो, अच्छा 100 इंटू 5 500 और ऊपर के 25, ये 525 आ गए। ठीक है ना, अच्छा ये 525 में से 225 अगर माइनस कर दो तो मेरे हिसाब से 300 ही बचे। ठीक है, अब 12 इंटू एक्स किया तो 200 चाहिए, 300 चाहिए, 12 इंटू एक्स, ये प्लस के उधर माइनस हो गए, देखो रिपीट कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन मत करना बाद में, मैंने सबसे पहले क्या किया 105 इंटू 5, 100 के 500 ऊपर 25 आएंगे, 525, ये 225 प्लस का उधर जाकर माइनस होगा 225, तो मेरे पास बच गया सिर्फ 300, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा 12 इंटू एक्स, तो एक्स को ही रहने देता हूँ, 12 को उधर भेज देता हूँ, और 300 को 12 से अगर मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 300 को 12 से डिवाइड करना मतलब 1/4 करके 1/3 करना, नहीं तो 1/3 करके 1/4 करना, डिवाइड बाय 12 का मतलब क्या होता है 1/3 का 1/4, हिसाब खत्म, डिवाइड बाय 12 का मतलब क्या होता है 1/3 का 1/4, जिसको भी जब भी आपको कहीं पर डिवाइड बाय 12 करना है तो नंबर का 1/3 करके 1/4 करना, 1/3 करके 1/4, 300 का 1/3 100 और उसका 1/4 25, हिसाब खत्म, कहां पर 25, ऑप्शन सी इज द आंसर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये 1/3 करके 1/4 करना है, नहीं क्या हुआ, तो कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ नया नहीं किया भाई, 12 का मतलब 12 के फैक्टर बनते हैं 3 इंटू 4, तो मेरे को एक बार 3 से डिवाइड करना था, एक बार 4 से डिवाइड करना था, यार इसको ऐसा लिख तो सकता ना, 300/12 इज इक्वल टू 300/3 इंटू 4, यस नो, तो बस कुछ नहीं किया मैंने, ये जो लिखा था ना इसको मैंने सॉल्व किया, 3 से डिवाइड करना है 1/3, 3 से डिवाइड करना है 1/3 करना है, 4 से हाफ का हाफ 1/4 करना है, तो मैंने 3 से डिवाइड किया 100 आएगा, 1/4 मतलब आधे का आधा करना था, तो 1/3 का 1/4, 100 के आधे का आधा 25 आंसर आएगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा, एकदम सिंपल सिंपल पैटर्न था अपना, यस। चलो ये थे लास्ट ईयर के मेमोरी बेस आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, ऑलमोस्ट आप ऐसा एज्यूम कर लो
कि आपका अराउंड 80% पेपर पैटर्न इसी टाइप से लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपके सारे वहां पर आए थे, ठीक है ना। सेम कंसेप्ट, इसके अलावा जो पेपर के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस थे, जैसे वहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए थे, डीआई के भी कुछ क्वेश्चंस थे, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस थे, तो उसके ऊपर भी अपन फिर से इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगला जो सेशन रहेगा अपन कल आफ्टरनून में एक सेशन रहेगा दोपहर में 12-1 बजे के आसपास बोलो या 1 से 3, ऐसे 2-1.5-2 घंटे के, अपने 1 घंटे के 2 स्लॉट कल और लेंगे, तो 1 आवर ईच। कल अपन ऐसे 2 सेशन लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर परसों मीन्स कल आपका थर्सडे, फ्राइडे के दिन फिर से हुआ तो 1 या 2 सेशन, फ्राइडे आफ्टरनून में नहीं ले पाऊंगा तो फ्राइडे को इवनिंग में सेम पैटर्न 1 या 1.5 घंटे का सेशन सेम पैटर्न पे हम ऐसा कवर कर लेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पेपर 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन करके सेम इसी पैटर्न पर अपन उसको डिस्कस करेंगे, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा है सब कुछ, तो नेक्स्ट टाइम याद से इसका लिंक आपके फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर लीजिए। जो कुछ पुराने स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं मान लो, तो कुछ लोगों को पता हुआ है, कुछ लोगों को आज के सेशन के बारे में पता नहीं था, तो एक बार उनको याद से इन्फॉर्म कर देना, आज का सेशन का लिंक भी उनके साथ में शेयर कर दो, ताकि क्या होता है, देखो माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। भाई मैंने जो 12 क्वेश्चन कराया तो मैं सब बहुत कुछ नया काम नहीं करवाया, सिर्फ मैंने क्या बताया कि अपना माइंडसेट चेंज कैसे करना है, एग्जाम में आप किस अप्रोच से जाओगे। आराम से क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व होते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, डरना मत सिर्फ, और क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, ध्यान रखना। प्रॉब्लम किस चीज़ की है कि हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो टाइम बहुत लगता है। घर पर हम लोग थोड़ा अलग माइंडसेट में होते हैं, अलग मूड में होते हैं, प्रैक्टिस करते समय अपन डिटेल राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं और राइटिंग में टाइम बहुत लगता है। तो टाइम सेव करने का थोड़ा सा कंसेप्ट क्या है, तो जो जिस टाइप से क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था, बस इस टाइप से थिंकिंग आपको रखना है, इस टाइप से आपको सोचना है, और उस टाइप से आप वो क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हो तो ईजिली आप लोग अच्छे खासे क्वेश्चन मीन्स एक कट ऑफ क्लियर करने के लिए जितना अटैम्प्ट होना चाहिए, आराम से वो क्वेश्चन आप लोग वहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हो। ध्यान रखना, सिर्फ खुद पर भरोसा रखो और प्रैक्टिस करो। 2-3 दिन अभी भी आपके पास में है, तो इस टाइप से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो इसका बेनिफिट आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और ये जो सेशन आज अपन लिया सेम पैटर्न, नेक्स्ट मंथ आपका फिर से IBPS PO का जो एग्जाम्स आ रहा है, तो जैसे 2-3 दिन अपन थोड़ा सा RRB के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और अगेन नेक्स्ट वीक से हम लोग अभी से PO के बारे में, इस जो IBPS PO का आपका रहेगा नेक्स्ट एग्जाम, उसके लिए अभी से हम लोग सेम पैटर्न पर नेक्स्ट वीक से ही इसका डिस्कशन अपन स्टार्ट कर देंगे। रेगुलर बेसिस पर 1 घंटा अपन इस टाइप का डिस्कशन करेंगे। तो जो PO के एग्जाम्स जिनको देना है, जिन्होंने फॉर्म्स वगैरह फिलअप किए हुए हैं, तो अभी से हम लोग उसका डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, ताकि वो पैटर्न चेंज करके अकॉर्डिंगली अपना प्रैक्टिस वहाँ पर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, एनी इशू, एनी क्वेरी, किसी का कुछ होगा तो आप कमेंट कर दीजिए एक बार फास्ट में, अदरवाइज फिर हम लोग इसको स्टॉप करते हैं। और भी आपकी कुछ क्वेरीज होगी, कुछ डिस्कशन करना है तो एक बार बता दीजिए, कुछ है किसी की क्वेरीज वगैरह कुछ? यस, नो, कन्फर्म, समझ में आया सबको, ऑल क्लियर? यस, सेशन क्लियर सबका, समझ में आया सबको? ओके, ओके, चलो तो अभी हम लोग ये सेशन स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन मैं कल आफ्टरनून में लूँगा, मैं अर्ली मॉर्निंग में उसका पूरा डिटेल कल का 2 घंटे का, कल अपन 2 घंटे क्लास लेंगे, हुआ तो 2 घंटे आफ्टरनून में ले लेंगे, नहीं तो 1 घंटा दोपहर में लेंगे, 1 घंटा अपन शाम में लेंगे, बट कल भी हम लोग 2 से 2.5 घंटे लाइव में डिस्कशन करेंगे, तो थोड़ा सा प्लानिंग में रहना और अकॉर्डिंगली थोड़ा सा फोकस करना उसके ऊपर, ठीक है। और सिमिलरली वन मोर थिंग, विदाउट फेल याद से अपने जो फ्रेंड्स वगैरह टच में होंगे उनके साथ में लिंक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि क्या हुआ, बिकॉज ऑफ वो कोविड की वजह से पिछले 4 महीने से ऑलमोस्ट, यानी लास्ट वीक मेरी कुछ स्टूडेंट से भी बातचीत हुई थी कि जो लोग एग्जाम में, मान लो एग्जाम में सपोज ये 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आसानी से हो सकते थे जिनसे, बट पिछले 4 से 6 महीने में जो मूड ऑफ हुआ है, प्रैक्टिस नहीं हो रही है, लाइब्रेरीज बंद है, तो इसके वजह से बहुत से लोगों के ऊपर ऐसा कि ऑटोमेटिकली अराउंड 20-25% लोगों का स्पीड डाउन हुआ है और कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट लोगों का खत्म हुआ है। लास्ट वीक मैंने कम से कम 8 से 10 लोगों से इसके ऊपर डिस्कशन किया, तो एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन, कुछ लोग ऐसे थे जो क्वेश्चन देखते बराबर मेरे को आंसर बताते थे, वो लोग बोलते सर इसको कैसे सॉल्व करना है,
ऑलमोस्ट प्री क्वालिफाइड है मेंस की एग्जाम देकर आके वो भी बोलते हैं सर इसको कैसे सॉल्व करना, ये सिचुएशन आई हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ पिछले 6 महीने से पूरा प्रिपरेशन का फ्लो डाउन हो चुका है। पहले तो हम लोग ऐसे थे कि भाई एग्जाम ही नहीं होने वाले, वो मूड में थे तो किसी ने पढ़ाई नहीं की, अब एग्जाम हो रही है। अच्छा हो भी रहे तो हद ही हो गई। अभी 8 दिन पहले वो RRB ने गेम खेल लिया, एक दिन मेरे को याद है 6 या 7 तारीख को ऐसा कुछ हुआ था कि हम लोग एग्जाम अभी नहीं लेंगे, एग्जाम पोस्टपोन कर दी, नेक्स्ट मंथ नया शेड्यूल अनाउंस करेंगे उसके बाद एग्जाम लेंगे, ऐसा 6-7 तारीख को अनाउंस किया था, 7 तारीख को शायद से, 8 तारीख को फिर बोल दिया नहीं नहीं वो कल का नोटिस हमारा कैंसिल, हम एग्जाम लेंगे। अब जिन्होंने वापस से सोचिए, जिन्होंने 7 तारीख का नोटिस देखा कि एग्जाम तो कैंसिल हो गया, अगले महीने होने वाली है, रिलैक्स, 8 तारीख को नया बम फूट गया, ये कैंसिल नहीं, एग्जाम तो होगी। अब जो बेचारे ने 8 तारीख को देखा ही नहीं होगा वो तो गए बेचारे। तो थोड़ा सा ध्यान रख, अपडेट पूरी लगती है, एग्जाम लेने वाले का काम है एग्जाम कब लेना, अपना काम पढ़ना, आप आपकी पढ़ाई मत बंद करती है, अपना प्रिपरेशन चलने दीजिए, कहीं ना कहीं पर ये सारी चीज़ आपके काम में आने वाली, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो ये सेशन पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट शेड्यूल कल मॉर्निंग में मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, ऑफिस के नंबर पर वो डिटेल आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा उसका स्टेटस देख लो, आपको नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा। चलिए ओके।